18 से बातचीत में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर राम मंदिर को बेकार का बता दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर इस तरह से नहीं बनाए जाते, उसका नक्शा और वास्तु सही नहीं है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर पर रामगोपाल ने विवादित बयान दिया है और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव जिन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि बेकार, नक्शे को भी बेकार बताया और साथ ही कहा कि वास्तु भी इस हिसाब से नहीं है जैसा कि मंदिर बनाया गया है। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने बोला राम का अपमान है जो हम लोग रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं, मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना उसका, वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने बोला राम का अपमान है जो हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं, मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना उसका, वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। तो दीपक रंजन जी के पास भी चलते हैं। दीपक रंजन जी, राम मंदिर बेकार का है जी? राम मंदिर बेकार का है, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं राम मंदिर बेकार का है, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए देखिए, अभी मैं आपके ही आप चैनल पे मैं सुन रहा था, उन्होंने राम मंदिर के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा जो उसका वास्तु है वो ठीक तरीके से पुराने नहीं, 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 नहीं कहा उन्होंने राम मंदिर बेकार का है, यही शब्द थे उनके। दीपक जी देखिए देखिए, आपने उनकी आगे की बात आपने पूरी आपने सुनी होगी, उन्होंने ये कहा कि उसका वास्तु ठीक नहीं है और जिसके लिए तो लगातार जगत गुरु शंकराचार्य लोगों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा पुराने मंदिर अगर आप देख ले तो वास्तु के साथ, असल में उन्होंने मंदिर जो जल्दी जल्दी आप सिर्फ उनकी आवाज सुन पा रहे हैं लेकिन हम उनके फेस के एक्सप्रेशन भी देख पा रहे हैं। आप देखिएगा कि वो किस तरह से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राम मंदिर बेकार का है। चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने बोला राम का अपमान है जो हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं, मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना उसका, वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। राजू दास हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हनुमानगढ़ी से महंत है। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर, और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल राम मंदिर को बेकार का बता रहे हैं, मुझे लगता है आपने भी सुना होगा, एक बार आपको भी सुना देते हैं क्या कह रहे हैं वो। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने बोला राम का अपमान है जो हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं, मंदिर ऐसे। सर क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है, इनके बयान का पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं। देखिए शुद्ध रूप से एक आसान सा तरीका हो गया है, यहाँ पर देश में तमाम मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे बहस होना नहीं है, उस मुद्दे पे ये बहस करना नहीं चाहते तो क्या है, तो आपने जब पूछ लिया तो बेकार है। अब उनके लिए राम मंदिर बेकार पहले भी था, आज भी बेकार है, क्योंकि उनके बड़े भ्राता ने, उनके भाई साहब ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वहां गोली चलवाकर राम भक्त तो किसी ना गोली से चलने किया, वो कभी चाहते ही नहीं थे मंदिर का निर्माण हो। राजू दास जी आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को आखिर क्या दिक्कत है? कल प्रमोद कृष्णम ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो फैसले को ही बदलना चाहते थे। कि आचार प्रमोद कृष्णम ने सही कहा और उनके सिर्फ एक थे कि आप देखो जिस प्रकार से कांग्रेस शुरू से ही मंदिर द्रोही रही है। कांग्रेस ने भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखने का महापाप किया। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ दिखाते हैं कि हम भी पूजा करते हैं, भगवान राम सबके हैं, तो जब भगवान राम सबके हैं तो ये 22 वकील राम के मंदिर के विरोध में क्यों खड़े कर दिए थे?
मैं पूछना, लेकिन सर राजनीति के लिए लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ करना, हम देखते हैं आए दिन इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं। अब इसी बयान पर जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं वो तो वास्तु को गलत बता रहे हैं, नक्शे को गलत बता रहे हैं, फिर घुमा फिरा कर बताने की कोशिश करते हैं, कई बार कह देते हैं कि वो तो उनका निजी बयान है। क्या हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना इतना आसान हो गया है भारत में? नहीं, आसान से हो गया इसलिए क्योंकि सनातन का अपमान करना, सनातन संस्कृति का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना एक आसान सा तरीका हो गया है और टीआरपी हासिल करने के लिए, और लगातार अब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम सहिष्णु हैं और हम आज तक एक शब्द इन लोग के खिलाफ नहीं बोलते और एक शब्द भी कोई धर्मगुरु, कोई बड़े बड़े धर्मावलंबी इस प्रकार से इनका जवाब नहीं देते। दीपक रंजन जी से एक मेरा सवाल है, दीपक रंजन जी क्या सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आपकी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं? पार्टी सभी धर्म सभी जात का सम्मान करती है और सभी को साथ लेकर के चलती है, और सही मायने में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। इतनी जल्दबाजी क्या की इनको राम मंदिर के निर्माण में? वास्तु पर ध्यान क्यों नहीं दिया? डिजाइन पर ध्यान क्यों नहीं दिया उन्होंने? दीपक भाई, दीपक भाई देखिए, मैं आदरणीय राजू दास जी के किसी टिप्पणी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ आखिर चारों जगत शंकर गुरुचार्यों ने इसका विरोध क्यों किया, आखिर क्यों सम्मिलित हुए? उससे ज्यादा तो मैं समझता हूँ बुद्धिजीवी को है नहीं। ये सही है कि राजू दास जी परमानेंट वहां पे बने रहते हैं और राम मंदिर निर्माण में इनका योगदान रहता है और ये निरंतर उसमें प्रयासरत रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लेकिन सवाल मेरा दीपक जी आपसे ये है कि वास्तु शास्त्र और नक्शे जिसकी आप बात कर रहे थे, आपसे तो बेहतर समझते हैं राजू दास जी, उनसे पूछ लेते हैं। अभी अभी मैं निवेदन पूर्वक दीपक भाई से पूछना चाहूंगा, अभी अभी मुक्तेश्वरानंद जी दर्शन करके गए, सभी शंकराचार्य आके दर्शन करके गए, उस कार्यक्रम में उनकी उपलब्धता नहीं थी इसलिए नहीं आ पाए हैं। अब यह तर्क देना कि राम मंदिर का बिल्कुल बड़े बड़े संत पहुंचे अयोध्या, उन्होंने दर्शन भी किए। दीपक जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जनता ने आपको भी तो मौका दिया था ना, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं पहले नक्शे और वास्तु के हिसाब से मंदिर बन गया? मैं राजू दास सर पहले मंदिर क्यों नहीं बन गया? मौका तो आपको भी मिला था ना, अब जो आप कमियां ढूंढ रहे हैं पहले ही आप मंदिर बनवा देते। देखिए मैम, जो बात दर्शन के आदरणीय राजू दास जी कह रहे हैं तो क्या इसके पहले लोग दर्शन करने नहीं जाते थे? आप बताइए, अरे भाई भगवान प्रभु श्री राम को आप जहाँ रख देंगे वहां भी दर्शन करने जाएगा? ऐसा तो वहां भी प्रभु श्री राम, हम मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर में वास्तु का ध्यान नहीं रखा गया, डिजाइन का ध्यान नहीं रखा गया। आप साउथ से लेकर के नॉर्थ तक चले जाएंगे, हाँ तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है तो उसमें बिल्कुल हम लोग वास्तु का डिजाइन का ध्यान रखेंगे और आदरणीय राजीव गांधी से पूछ कर दीपक जी पहले मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जनता ने आपको भी तो मौका दिया था, आप लोगों ने मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? मंदिर बन गया तो आप उसमें खामियां ढूंढ रहे हैं? जब 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बिल्कुल डिजाइन का और बिल्कुल वास्तु ध्यान रखा जाएगा और आदरणीय राजू दास जी को संज्ञान में लेने के बाद ही आगे का काम होगा। तो अभी अभी आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है कि ये जो वास्तु शास्त्र है, नक्शा है, ये गलत है? क्योंकि बड़े बड़े शंकराचार्य वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी तो दर्शन किए, यानी कि उनके हिसाब से कोई चीज गलत नहीं है लेकिन समाजवादी पार्टी के हिसाब से गलत है। अरे मैम, शंकराचार्य जब क्या मंदिर बना रहे थे तो क्या वो दर्शन करने नहीं गए थे? नहीं चाहता था सवाल ये क्या है, किस आधार पर बोल रहे हैं सर? सवाल ये है किस आधार पर आप ये बोल रहे हैं कि वास्तु ठीक नहीं है, नक्शा ठीक नहीं है? अरे प्रभु श्री राम को दर्शन करने कौन नहीं जाता था? अगर मान लीजिए कोई वास्तु पे या डिजाइन पे अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उस पर ध्यान दे देना चाहिए, उसमें कौन ऐसी गलत बात है? अच्छा चलिए, एक सवाल बताइए मुझे, पूरे राम मंदिर का मैं जिक्र कर रही हूँ, 1992 से जो लड़ाई हुई, आप समाजवादी पार्टी की एक भूमिका बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी हो। अरे समाजवादी पार्टी सरकार में थी। अच्छा ये बताएं कि अभी हमारे जो है आदरणीय राजू दास जी कह रहे थे, आदरणीय नेता जी, आप सवाल से बच रहे हैं, आप एक काम गिना दीजिए ना, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, एक काम आप गिना दीजिए। राम मंदिर की लड़ाई बहुत लंबी लड़ी,
एक कान गिराइए ना, आपकी समाजवादी पार्टी ने किया हो। आप सिर्फ सवाल, आप सिर्फ सवाल उठा रहे और जो आप आरोप लगा रहे वो भी हवा हवाई है, कोई आपके पास में एविडेंस नहीं है। अरे नहीं, मेरी 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 बात आने देंगी आप? उनको पद्म विभूषण किसने दिया था? नेताजी को किस सरकार ने दिया? आज नितिन मिश्रा जी कहां पे हैं? पद्म विभूषण देकर उनको विभूषण करने का किस सरकार ने किया? आपके पास में जवाब नहीं है। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि लखनऊ में एक भी विकास का काम अगर हुआ उत्तर प्रदेश सरकार की नीति से तो बता दे। मैं भी चैलेंज करता हूँ, पार्ट डेवलपमेंट क्यों नहीं, पार्ट डेवलपमेंट इंजन की कर रहे हैं लोग, आज चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, लोग वोट का बहिष्कार। प्लीज एक एक करके अपनी बात करके, दीपक जी आपको बोलने का मौका दिया मैंने। मनीष जी आप अपनी बात रखिए। समाजवादी पार्टी राम गोपाल यादव से लेके अखिलेश यादव तक सबके मन में राम मंदिर प्रभु राम के प्रति जहर भरा हुआ है। मुलायम सिंह यादव ने राम नहीं कराया और जो बयान आज रामगोपाल यादव ने दिया है बहुत ही निंदनीय है। सनातन धर्म के विरोध में है, राम प्रभु राम के विरोध में है, राम मंदिर के विरोध में है और इनका डीएनए है ये। ये लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जो इंडी गठबंधन है उनके अगर मैनिफेस्टो को उठाकर आप देखेंगे तो उसमें बहुसंख्यकवाद का विरोध है, तमाम तुष्टिकरण की बातें करते हैं।